गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन चैप्टर 3 कैट फॉर सेल। दिस इज द स्टोरी ऑफ अ लिटिल बॉय हु वॉज ऑर्फन। ये एक छोटे से बच्चे की कहानी है जो था अनाथ था। ही वॉज वेरी पुअर, वो बहुत गरीब था। एंड हैड अ ड्रीम टू बी अ रिच मैन, और उसका क्या सपना था कि वो एक बहुत बड़ा आदमी बने। टू मेक हिज ड्रीम रियल ही वेंट टू लंडन, अपने सपने को सच करने के लिए वो लंडन जाता है। लेट अस रीड द स्टोरी टू नो हाउ ही बिकेम रिच। अब हम इस कहानी में पढ़ेंगे कि कैसे वो अमीर बनता है। लॉन्ग लॉन्ग टाइम एगो देयर लिव्ड अ पुअर बॉय कॉल्ड डिक विटिंगटन। बहुत समय पहले एक गरीब लड़का रहता था जिसका नाम था डिक विटिंगटन। ही हैड नो मदर एंड नो फादर, ना ही उसकी माँ थी और ना ही उसके फादर थे। ऑफन ही हैड नथिंग टू ईट, उसके पास कुछ खाने को भी नहीं था। वन डे डिक हर्ड अबाउट द सिटी ऑफ लंडन, एक दिन डिक ने लंडन के बारे में सुना। पीपल सेड दैट इवन द स्ट्रीट्स इन लंडन वर मेड ऑफ गोल्ड, लोग क्या कहते थे कि जो लंदन की सड़कें हैं वो भी सोने की बनी हुई हैं। डिक डिसाइडेड टू गो टू लंदन टू बिकम रिच, तो डिक ने डिसाइड किया कि वो लंदन जाएगा अमीर बनने के लिए। लंदन वॉज अ बिग एंड बिजी सिटी फुल ऑफ पीपल बोथ रिच एंड पुअर। लंदन क्या था, एक बहुत ही बड़ी और बिजी सिटी थी जहाँ पे सब लोग क्या थे, अपने काम में बिजी रहते हैं। बहुत से लोग रहते थे जो अमीर भी थे गरीब भी थे। डिक डिड नॉट फाइंड एनी स्ट्रीट्स मेड ऑफ गोल्ड, लेकिन डिक को कोई ऐसी सड़क स्ट्रीट नहीं मिली जो सोने की बनी हुई हो। ही वॉज कोल्ड एंड हंग्री, बहुत ठंड भी लग रही थी और बहुत भूखा भी था। ही फेल अस्लीप ऑन द स्टेप्स ऑफ अ बिग हाउस, वो एक बड़े घर की सीढ़ियों पे सो जाता है। मिस्टर फिट्स वॉरन लिव्ड इन दैट हाउस, उस घर में कौन रहते थे, मिस्टर फिट्स वॉरन। ही वॉज रिच एंड काइंड मैन, वो बहुत ही अमीर भी थे लेकिन दयालु भी थे। ही टुक डिक इन टू हिज हाउस एंड गेव हिम सम वर्क, वो डिक को अपने घर ले जाते हैं और कुछ काम देते हैं। मिस्टर फिट्स वॉरन गेव डिक का लिटल रूम ऑफ हिज ओन, और फिट्स वॉरन क्या करते हैं, उसे एक छोटा सा कमरा दे देते हैं जिसमें वो रह सके। द रूम वॉज गुड बट देयर वर मैनी रैट्स, दे वुड रन ऑल ओवर हिम एट नाइट। वो कमरा तो अच्छा था लेकिन उस कमरे में चूहे बहुत थे जो इधर उधर भागते रहते थे सारी रात। वन डे डिक अर्न सम मनी बाय डूइंग सम वर्क, एक दिन डिक ने कुछ पैसे कमाए अपने काम से। ही बॉट अ कैट विद इट, और उन पैसों से क्या किया, उसने एक बिल्ली खरीद ली। द कैट चेस्ड अवे ऑल द रैट्स इन हिज रूम, कैट ने क्या सारे जो कमरे में चूहे थे जितने भी रैट्स थे उन सबको वो खा गई। नाउ डिक स्लेप्ट वेल, अब डिक जो था आराम से सो सकता था। डिक वॉज इंजॉइंग हिज स्टे विद मिस्टर फिट्ज़वॉरन, अब जो था डिक इंजॉय कर रहा था मिस्टर फिट्ज़वॉरन के साथ रहने में। ही यूज टू डू सम स्मॉल जॉब्स एंड अर्न अ लिटिल बिट ऑफ मनी, वो छोटे छोटे कुछ काम करता था और कुछ थोड़ा बहुत पैसा कमा लेता था। ही डिड नॉट फॉरगेट हिज ड्रीम ऑफ बिकमिंग रिच, लेकिन वो अपना अमीर बनने का सपना नहीं भूला था। ही टोल्ड मिस्टर फिट्ज़वॉरन अबाउट हिज ड्रीम, उसने मिस्टर फिट्ज़वॉरन को अपने सपने के बारे में बताया। One day as Mr. Fitzwarren was traveling out of town on business, he said to Dick, give me something that you have, I will sell it and get you some gold. एक दिन मिस्टर फिट्ज़वॉरन जब कहीं बाहर जा रहे थे बिजनेस से रिलेटेड कुछ काम के लिए, तो उसने डिक को कहा कि तुम मुझे कुछ ऐसा दे दो जो तुम्हारे पास हो जिसे मैं बेच सकूं और तुम्हारे लिए सोना खरीद लाऊं। डिक हैड ओनली हिज कैट, डिक के पास तो सिर्फ एक बिल्ली थी। ही गेव इट सैडली, बड़े दुखी मन से उसने वो बिल्ली ही मिस्टर फिट्ज़वॉरन को दे दी। व्हेन मिस्टर फिट्ज़वॉरन केम बैक ही सेड टू डिक, डिक आई सोल्ड योर कैट टू अ किंग, अब जब फिट्ज़वॉरन वापस आए तो फटाफट डिक के पास गए और बोला उन्होंने कि मैंने तुम्हारी जो बिल्ली थी एक राजा को बेच दी। ही हैड टू मैनी रैट्स इन हिज पैलेस, उनके महल में बहुत सारे चूहे थे। ही बॉट योर कैट एंड गेव मैनी गोल्ड कॉइन्स, उन्होंने तुम्हारी बिल्ली खरीद ली और बहुत सारे सोने के सिक्के जो हैं दिए हैं। डिक वॉज नाउ रिच, अब डिक जो था अमीर बन गया था। व्हेन ही बिकेम अ यंग मैन, जब वो बड़ा हो गया एक बड़ा आदमी बन गया, ही मैरिड अलाइस मिस्टर फिट्ज़वॉरन्स डॉटर एंड लिव्ड हैप्पीली एवर आफ्टर, उसने मिस्टर फिट्ज़वॉरन की बेटी अलाइस से ही शादी कर ली और खुशी खुशी उनके बाद वो वहां पे रहने लगे। I hope you all must clear the topic we discussed today. Very soon I will be back with new topic. Till then study hard, be safe, stay at home. Regards, Shri Krishna Vidya Mandir. Thank you.